पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा मवेशी तस्करों के विरुद्ध एवं तस्करी के फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु साइबर सेल को सम्मिलित कर विशेष अभियान चलाया गया है। जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को मुखबिर लगाकर एवं तस्करी की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने एवं तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। 2 जून की रात लगभग 1 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना बागबहार क्षेत्र के ग्राम छाता सराई में 2 व्यक्ति पशुओं को मारते पीटते तेज गति से हाँकते हुए पैदल झारखंड की ओर ले जा रहे हैं। इस सूचना को थाना प्रभारी बागबहार द्वारा पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन को अवगत कराया एवं उनके निर्देशन में तत्काल निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया। टीम द्वारा ग्राम छाता तराई के पास मारते पीटते हुए बैलों को ले जा रहे तस्कर को घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर उनका नाम पूछने पर वे अपना नाम दशरथो गिरी एवं कौशिक राउत बताए। उन दोनों के कब्जे से कुल 16 रास मवेशियों को जब्त किया गया है। जशपुर जिले में लगातार पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कल सूचना मिली मुखबिर से कि बागबहार थाना क्षेत्र में कुछ लोग जानवरों को वहां से हकाल के ले जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस की एक टीम भेजी गई और वहां पर 2 आरोपी जो कि उड़ीसा के रहने वाले थे उनके पास से 16 नग पशु बैल बरामद किया गया। उनसे संबंधित दस्तावेज मांगा गया। उनके पास किस प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं था। उन्हें थाने में लेकर आया गया और उनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 4 और 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। और हमारे जिले में जो ये अभियान चल रहा है लगातार ये अभियान जारी रहेगा।